तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम में देखा था कि सेल के प्रोकैरियोटिक सेल के तीन एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन नंबर एक पिलर, नंबर दो फेमरी और नंबर तीन फ्लैजेलम। फ्लैजेलम को हम डिटेल करना चाहते थे, डिटेल करते समय हमने देखा था कि उसका एक साइड में एक फ्लैजेलम हो सकता है, दोनों साइड को एक एक हो सकते हैं या मल्टीपल फ्लैजेलम भी हो सकते हैं, वो चर्चा हमने की थी। और ये जो फ्लैजेलम रहता है इस सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है, मतलब घुसा हुआ रहता है। अब इसके तीन भाग जो होते हैं, जिसको जो बेसिक भाग होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, उसे कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहा जाएगा उसको? बेसल बॉडी। और ये नंबर दो वाला जो पार्ट होता है उसे कहा जाएगा हुक, राइट। और नंबर तीन वाला जो इलांगेटेड पार्ट है उसे कहा जाएगा फिलामेंट। यानी कि तीन उसके पार्ट्स हो गए, नंबर एक बेसल बॉडी, नंबर दो हुक और नंबर तीन फिलामेंट, राइट राइट। अब ये फ्लैजेलम हमें कंपेयर करना पड़ता है यूकेरियोट से, परंतु यहां पर हम उसका डिटेलिंग नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान में रखना है कि दिस फ्लैजेलम इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फ्लैजेलिन प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट फॉर द सेल, दे आर जनरली प्रोटीनिशियस इन नेचर। फ्लैजेला इज ऑल्सो वर्किंग एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोकैरियोटिक सेल, सो इट इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस इन नेचर। अब देखना हमें है कि जैसे बताया था कि फेमरी फेमरिन प्रोटीन, पिलर पिलिन प्रोटीन, फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन, कोई मुश्किल नाम नहीं है इनके ध्यान में रखने के लिए। बस यूकेरियोटिक फ्लैजेला अलग प्रोटीन से बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है, वो सही समय पर हम जरूर देखेंगे, चलेगा बॉस, राइट। अब थोड़ा मैं डिटेल करता हूं इसको। ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह के साथ। ये है उसका बेसल बॉडी राइट। ये बेसल बॉडी थोड़ा इसका इधर शॉर्ट होता है। बेसल बॉडी के बाद ये स्ट्रक्चर है जिसे हम कहेंगे हुक, राइट। और हुक को ज्वाइन रहता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, राइट। ये तीन पार्ट हो गए, दिस इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज हुक एंड दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, राइट। अब ये बेसल बॉडी कैसे काम करती है? तो बेसल बॉडी विल वर्क एज ए मोटर, यस। ये फ्लैजेलम को मूव करने के लिए मोटर का काम करती है, जैसे कि फैन अगर घूम जाता है तो उसके पत्ते अलग से होते हैं, लेकिन सेंटर में मोटर होती है जो उसके पत्तों को घुमाती है। वैसे ही यहां पर बात होती है, ये मोटर जो होती है वो हुक की शाफ्ट बनाकर फिलामेंट को घुमाती है, क्लियर क्लियर। सो बेसल बॉडी विल बी मोटर फॉर आवर फ्लैजेलम। अब ये जिसे हम कहेंगे बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन से बनी होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। और ये बेसल बॉडी जो है ये एटीपी या प्रोटॉन पंप, इनके बलबूते पर काम करती है। फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है, यूकेरियोट में डिटेलिंग में स्ट्रक्चर होगा, एटीपी यानी कि उसको कोई तो भी एनर्जी चाहिए, फाइबर जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वैसे इस बेसल बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो तो एक तो एटीपी के फॉर्मेट में होगी या प्रोटॉन पंप के फॉर्मेट में, बराबर। अब ये बेसल बॉडी एनर्जी इफिशियंसी से घूमना शुरू कर देगी तो उसकी शाफ्ट यानी कि हुक विल वर्क एज ए शाफ्ट फॉर इट। शाफ्ट मतलब एक्सटेंशन उसका, जैसे अगर हम किसी मशीन को, घूमने वाली मशीन को एक रॉड लगा दे तो वो रॉड भी घूमेगा और उसके साथ जो उसको चीज लगाई हुई है अंत में जैसे फिलामेंट वो भी घूमेगी, वैसे ये शाफ्ट होता है। और इसको ऐसे हम कह सकते हैं जॉइंट, ये हुक जो होता है ये ज्वाइंट होता है फिलामेंट और मोटर यानी कि हमारी बेसल बॉडी के बीच में का। अब ये होता है फिलामेंट जिसे कहते हैं हम व्हिपिंग लैश, लैश राइट। इसका मतलब होता है ये कि
ये घूमेगा उसका जैसे जैसे डायरेक्शन है इस प्रकार से वो घूमेगा उसको, क्योंकि मोटर हमारी घुमा रही है और उसको शॉफ्ट जॉइंट है इसलिए व्हिपिंग लैश घूमेगा जरूर। अब ये व्हिपिंग लैश कैसे बना हुआ होता है ये थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ध्यान में आ रही है बात, पूरा स्ट्रक्चर लगभग आपके समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं राइट, इसका आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो बराबर। अब यहां पर देखिए ये बेसल बॉडी, ये मोटर और ये जो होती है हुक और ये जो होता है इस प्रकार से हेलिकल अरेंजमेंट में होता है हमारा फिलामेंट। समझो हम उसको और थोड़ा डिटेल करने के लिए प्रयास करेंगे तो इस प्रकार से होगा ये स्ट्रक्चर। ये हेलिकल हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ कौन सा प्रोटीन मुझे बताइए नाम, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया दैट इज फ्लैजेलिन प्रोटीन। यस किस प्रोटीन का, फ्लैजेलिन प्रोटीन का। हेलिकल मतलब आप महानगर पालिका की जो पानी की टंकी होती है ना उसको जानते हैं, उनकी जो सीढ़ियां होती है वो इस तरीके से होती है, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर भी वो ऐसे खड़ा नहीं हुआ रहता है, एक सेंटर में पोल हाइपोथेटिक और उस पोल के इर्द गिर्द ये स्ट्रक्चर इस तरीके से स्पाइरली अरेंज रहता है, उसे कहते हैं हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। मेरी बात को समझ है राइट। तो इस प्रकार से हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का तीनों एक्सटेंशन, फैमिली हो गया, फिला हो गया और फ्लैजेलिन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, आपको काम में जरूर आएगा क्योंकि ये डिटेलिंग इसकी हमारी एनसीईआरटी के बुक में भी नहीं है। हमारा डिसीजन ये हुआ है कि हम एनसीईआरटी आपको बिल्कुल क्लियरली पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ 10% पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। समझ गए बात को, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ अगर मैं आपको 10% पॉइंट बना लेता हूं और आप स्वयं खुद 10% पॉइंट अगर बना लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम रेडी है कोई भी क्रिटिकल क्वेश्चन के लिए जो नीट में आने की संभावना होती है राइट। चलो बॉस आगे, अब प्रोकैरियोटिक सेल के एक्सटेंशन के बाद हमें कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस और प्लाज्मिड के बारे में बात करनी है। क्लियर, देखिए न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड, किसका पीके, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड राइट बॉस। अब ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, फिर से एक बार अब इस प्रोकैरियोटिक सेल में यहां पर होता है इस प्रकार से ये न्यूक्लियोइड, स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। पहले ही दिन बताया था मैंने इसको न्यूक्लियस क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये न्यूक्लियस एक्चुअल में नहीं है, ये न्यूक्लियस जैसा है पर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा। यस, ऑइड का मतलब होता है लुकिंग लाइक, जैसा। यस, हमारी टीम में कोई अच्छा अगर खेलता है तो हम उसको कहते हैं कि ये विराट कोहली है, पर एक्चुअल में विराट कोहली होता है क्या, नहीं, वो खेलता है उसके जैसा, यानी कि वो हो गया हमारी टीम के विराट कोहली जैसा प्लेयर, नॉट द विराट कोहली। वैसे ये न्यूक्लियस जैसा है, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं, बात समझ गया। और यहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी रहते हैं और डीएनए भी रहता है, इसे कहा जाता है प्लाज्मिड। यस, ये साइटोप्लाज्म है हमारा राइट। अब इस साइटोप्लाज्म में बाकी की चीजें तो हमने देखी है पहले ही, ये दो चीजें रह गई थी बस, उसमें से एक न्यूक्लियोइड था और दूसरा था प्लाज्मिड। अब ये न्यूक्लियोइड में क्या क्या होता है जो यूकेरियोट के कंपैरिजन में अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इसमें कोई भी इस प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वैसे मेरे दोस्तों इसी को किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। क्षमा कर देना भांजे,
समझ गए बात को? हाँ जी राइट, हाँ जी नहीं बात को समझ लो। यूकेरियोट को न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, पर प्रोकैरियोट को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब ये नंगा पुंगा है, सॉरी इसको, पर यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। क्या लिखना था मुझे? दिस लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट नहीं है। जैसे आप लोगों में द ब्रेन इज अब्सेंट इन यूर स्कल, एम आई राइट? एंड इन मी ब्रेन इज टोटली प्रेजेंट इन स्कल, सो आई एम यूकेरियोट एंड यू आर प्रोकैरियोट। थैंक यू। न्यूक्लियॉइड को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है इनमें, साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होते हैं। बड़े दुख की बात है, तब का समझाया आपको, बड़ा खुदगर्ज निकला रे ये प्रोकैरियोट, और बड़ा बदमाश निकला। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं, तो न्यूक्लियर कैसे बनता है? जेनेटिक मटेरियल। हाँ, पर एक बात जरूर है भांजे, इसमें डीएनए होता है। यस, इसमें क्या क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लस आरएनए भी होता है। समझ गए? डीएनए भी है, आरएनए भी है, और साथ ही साथ यंग न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी है, एनएपी। यस, इन्हें एनएपी कहते हैं। मैं इसका डिटेलिंग लिख देता हूं बाद में। उनमें क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यस, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन अब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट अब्सेंट है, पर इनमें डीएनए है, आरएनए है, आरएनए पीस है। थोड़ा चर्चा करते हैं डिटेल में। अब मैं क्या इसको रब कर दूं? चलेगा। हमारे पास बोर्ड छोटा होने की वजह से हमें इस डायग्राम को बार बार रब करना पड़ता है, वरना अगर बोर्ड बड़ा होता तो हम एक ही पॉइंट में एक ही लेक्चर में सब की सब बातें लिख देते, लेकिन परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को ढलना पड़ता है। परिस्थिति कभी भी हमेशा एक समान नहीं होती है। आज कोरोना है, कल कोरोना नहीं रहेगा, लेकिन परसों आ सकता है। फिर देखिए, ओके बॉस, अब इसका यूकेरियोट में अगर हम देखें, थोड़ा तुलना करते हैं यूकेरियोट से, ये डीएनए होता है, और प्रोकैरियोट में भी डीएनए होता है। यस, लेकिन इस डीएनए को रैप करने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें कहा जाता है हिस्टोन। यस, किसमें? यूकेरियोट में हिस्टोन होता है और ये डीएनए होता है, इसलिए इन दोनों का मिलके क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम जो आप जानते हैं ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर दसवीं तक के पार्ट में आपको हुआ था याद, आगे इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, क्रोमोसोम बनना है। तो इनमें क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके पास इसको नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दैट दे आर हैविंग स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स विच आर नियरली हैविंग केमिकल नेचर रिजेंबलेंस टू द हिस्टोन प्रोटीन्स, बट हियर दे आर कॉल्ड एज एनएपीज, न्यूक्लियोइड Associated proteins, which are chemically nearly about resemble to the histone protein, but functionally they are different in the structure. Okay? अब इनका जो यूकेरियोट का क्रोमोसोम होता है वो इस तरीके से बनता है, इनका क्रोमोसोम ऐसा नहीं बनता, इनका जो डीएनए होता है सिंगल लाइन में निकालने, डबल लाइन में निकालने की जरूरत नहीं, तो इनका पूरा डीएनए
इस तरीके से इररेगुलर अरेंज्ड होता है और यहाँ पे एंड में चुपका हुआ रहता है। मेरी बात को समझ गए, इररेगुलर रहेगा। अगर हम इसको खोल दें, अगर हम इसको ओपन कर दें पूरे स्ट्रक्चर को, तो ये इस तरीके से दिखेगा। समझ गए क्या? यहाँ पे दोनों पार्ट उसके जॉइंटेड रहेंगे, लेकिन अब ये पूरा सर्कुलर नहीं है, इंटरमिंगल्ड है। अगर हम किसी रस्सी को पूरा गोल बना सकते हैं, राइट? समझो, समझो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है यूकेरियोट में। यूकेरियोट में इसका इसका पूरा कंडेंसेशन हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइप में। ऐसा 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 कंडेंसेशन हो जाता है। बात को समझ गए, बात को समझ गए। और ये जो पार्ट उसका होता है, ये एंड और ये एंड, दोनों एंड यूकेरियोट में ज्वाइंट नहीं होते, ज्वाइंट नहीं होते। यानी कि ये जो डीएनए है, ये इस तरीके से पूरा क्रोमोसोम बनेगा ऐसा, पर खुला रहेगा। यानी कि इसका एक पार्ट यहाँ पे खुला है और ये ऐसा करने के बाद एक पार्ट यहाँ खुला है, ये ज्वाइंट नहीं है। लेकिन इनमें वैसा नहीं होता, इनमें ये इंटरमिंगल जरूर बनते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार से इंटरमिंगल बनेंगे, ये फिर ये, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ, फिर ये। अब इसके दोनों एंड ज्वाइंट होते हैं। समझ गए क्या बात को? ससुरा बहुत ही मजबूत है ना? हमारे सामने औकात दिखाता है ससुरा को, ये देखो। अरे समझ में आ गई? अरे ओ ब्रिज मोहन, सुन रहे हो मेरी बात को? इसका दोनों एंड जो है वो ज्वाइंट है। यूकेरियोट में ये दोनों एंड डीएनए का ज्वाइंट नहीं होता है, प्रोकैरियोट में ये ज्वाइंट होता है। अगर हम इसको पूरी तरीके से खोल दे एकदम चकाचक वाला, तो ये सर्कुलर हो जाएगा, ये सर्कुलर हो जाएगा। यस, जो हमने ऐसा निकाला है यहां पर, बात को समझ लेना, ठीक है। अब ये हो गया यूकेरियोट का क्रोमोसोम और इसमें ये सर्कुलर हो गया। अब इसको, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम नाम कहते हुए कुछ लोग साइंटिस्ट प्रोकैरियोट में, जैसे यूकेरियोट में इसे क्रोमोसोम कहा जाता है, वैसे इस स्ट्रक्चर को प्रोकैरियोट में जीनोफोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीनोफोर। यूकेरियोट में कहेंगे क्रोमोसोम और प्रोकैरियोट में कहेंगे जीनोफोर। यूकेरियोट में इनको होता है हिस्टोन प्रोटीन और प्रोकैरियोट में इनको होता है एनएपी, न्यूक्लियाई एसोसिएटेड प्रोटीन, नाम तो सुना है। यूकेरियोट में इनके जो पूरे के पूरे क्रोमोसोम बंदिश यानी कि अकुमुलेटेड रहेंगे एक स्ट्रक्चर में, जिसे कहेंगे न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है। इनमें स्ट्रक्चर ऐसा ही खुला रहेगा साइटोप्लाज्म में, किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, जिसे कहा जाएगा न्यूक्लियॉइड। और जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो कॉम्पैक्ट अरेंज हुआ है, उसे कहेंगे जीनोफोर। अब तब तक के लिए, जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ते, ध्यान रखना है न्यूक्लियॉइड इज नियरली इक्वल टू जीनोफोर फिलहाल के लिए, ओके बॉस। तो ये हो गया इनका न्यूक्लियॉइड। अब लगभग तकरीबन इनका 99% जो होता है जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियॉइड में ही होता है। कुछ इस न्यूक्लियॉइड के बाहर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या हम उस स्ट्रक्चर को डिटेल करें? चले चले आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। यस, तुझ में रब दिखता है यार, मैं रब कर दूं। तुझमे रब दिखता है यार, मैं रब कर दूं। हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले। आखिर प्यार तो तुम्हें सूरी से ही करना पड़ेगा, राइट? तो प्लाज्मिड क्या होता है? फिर से एक बार, प्रोकैरियोट न्यूक्लियॉइड बाउलेट स्ट्रक्चर्स, और उसके आजू बाजू जो होता है वो होता है प्लाज्मिड। यस, प्लास्टिड के साथ इसका जमलिंग नहीं करना है। प्लास्टिड यूकेरियोट में स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है मैं सही समय पे जरूर बताऊंगा। यस, हमारे अगले कुछ एपिसोड के बाद आप जरूर देखेंगे प्लास्टिड क्या होता है। ये प्लाज्मिड है, शब्दों के अंतर को ध्यान में रखना है, ये प्लाज्मिड है। अब ये प्लाज्मिड जो होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अब
अब मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स्ट्रा जियोफोरिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोइड, एक्स्ट्रा जियोफोरिक सर्कुलर स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अरे कहा है ये डबल स्ट्रैंडेड? अगर ये ऐसा है डीएनए तो इसको डबल स्ट्रैंडेड कहा जाएगा, और अगर ये ऐसा है आरएनए जैसा तो इसको सिंगल स्ट्रैंडेड कहा जाएगा। दोनों समझने की बड़ी बात थोड़ी ही है, गांव में गांव का घटिया बटिया भी समझ ले जाएगा, अब उसमें क्या समझने वाली बड़ी बात है। अब प्लाज्मिड होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जीनोम फोर के बाहर होता है, और स्मॉल होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मिड के ऊपर फ्यू जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं इनके ऊपर, जैसे काम की चीजें, हमारा जैसे नाक का जीन होता है, आंखों का जीन होता है, सर का जीन होता है, बालों का भी जीन होता है, वैसे इनके बहुत से जीन, कुछ जीन यहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और कहा जाए तो, और कहा जाए तो लैकोपेरॉन, ये दोनों भी बातें क्या है सही वक्त पे समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए रखना था, कुछ प्रकार के उनके ऊपर जीन होते हैं जो उनकी जिंदगी के लिए क्रूशियल नहीं होते, एकदम मरने और जीने का सवाल नहीं होता है, अगर ये नहीं है तो मर ही जाएंगे। ऐसा नहीं कहता आप लोग, अगर प्लाज्मिड नहीं रहेगा तो मैं तो जान ही छोड़ दूंगी, अगर वही नहीं है तो किसके लिए सजू, ऐसा नहीं होता। ये अगर ये जीन नहीं भी हो तो इनकी जिंदगी चलता है, लेकिन अगर ये जीन है तो बहुत अच्छी तरीके से चलती है, इसलिए कुछ जीन प्लाज्मिड के ऊपर रहते हैं। अब आप समझ में आ गई बात आपको, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड, यस करेक्ट करेक्ट। चर्चा में अब इसको मैं रब कर देता हूं, चर्चा में हमने डिस्कशन करते करते कुछ और बातों को ध्यान में रखना था कि कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी होते हैं, स्टेनिंग विद ग्राम स्टेन, स्टेनिंग विथ ग्राम स्टेन। स्टेन का मतलब होता है, स्टेन का मतलब होता है डाई, हेयर डाई नहीं लगाते क्या हम? अभी बाल ही नहीं है बोलना, सर के बाल नहीं, दिल में जज्बात नहीं, तू क्या करेगा कन्यादान, ये तेरी औकात नहीं, चढ़ावन दे, ये होता है डाई। डाई को हम कह सकते हैं और कलर, यस डाई और कलर। अब ये जो कलर होता है रिसर्च बाय, इसका रिसर्च किसने किया था? सर हांस, हंस नहीं है वो मराठी मानुष नहीं है, हंस ये है हांस, हांस क्रिश्चियन ग्राम, ग्राम जिला का जमानुस सर हंस क्रिश्चियन ग्राम, इसने ये स्टेन का रिसर्च किया। अब इसमें जो स्टेन होता है, जो डाई होती है, वो होती है आयोडीन क्रिस्टल डाई एंड सैफ्रिनिन डाई, यस दो प्रकार की प्राइमरी डाई एक होती है, सेकेंडरी डाई एक होती है। इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना डिटेल कभी क्वेश्चन पूछा नहीं हो जाता, फिर भी प्राइमरी डाई आयोडीन डाई होती है, आयोडीन क्रिस्टल डाई, और दूसरी होती है सैफ्रिनिन डाई। अब यस इन्होंने बैक्टीरिया के दो प्रकार बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैक्टीरिया हैविंग टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रिश्चियन ग्राम स्केल, there are two types, gram positive bacteria and gram negative bacteria. Yes,
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसके साथ जब हम डाई करते हैं इनको, तो ये हो जाते हैं वाक्य में से पर्पल। यस, और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये हो जाते हैं वाक्य में से पिंक, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये पूरा स्टेन नहीं लेता है। पॉजिटिव वाला जो होता है वो पूरा स्टेन ले लेता है, और ये किसी भी प्रकार का स्टेन नहीं लेता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, ग्राम पॉजिटिव और सॉरी ग्राम पॉजिटिव और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये क्यों होता है इसका भी डिस्कशन हम करेंगे थोड़ा, लेकिन इस अगले लेक्चर में हम करते हैं, चलेगा। पर यार यहां तक आ गए हैं हम, यहां तक समझ में आ गई बात, उसकी लेयर्स कैसी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिया जाता है, और साथ ही साथ हमारा एक छोटा पार्ट भी रहा है जिसे हम कहेंगे सेल थ्योरी, जो श्वेडर एंड श्वान की है और रुडोल्फ हर्शल की, तो वो सेल थ्योरी भी हम कल के लेक्चर में लेंगे, चलेगा। बस राइट, आज के लिए इतना पर्याप्त है।